हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो मुझे पता ही नहीं था कैमरा कब ऑन हो गया है, इसलिए बहुत देर से बोला। तो मैं ना टोटली रेडी हूँ एकदम कैजुअल कॉस्ट्यूम में, और लाइट लाइट मेकअप किया, और रात के हिसाब से डार्क से एक लिपस्टिक से अपने आप का लुक रेडी किया है। तो अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, और बिकॉज ऑफिस के पीछे वाले हॉल में हमें फिल्म देखने जाना है। आई एम गोइंग टू वॉच दृश्यम 2। मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं था, बट उस फिल्म की तारीफ इतनी ज्यादा हुई है, तो उसके बाद मैंने सोचा जाना चाहिए, जबकि मैंने दृश्यम 2 मलयालम वाली हिंदी वर्जन सबटाइटल के साथ समझ लिए, देख लिए, वो भी 1 ईयर बिफोर। तो जिस चैनल के ऊपर वो डली थी उधर से हटा दी गई है, क्योंकि ये अभी रिलीज हुई है करके वो काफ़ी सारी जगह से हटाई गई है। मुझे स्टोरी आधे से ज़्यादा पता है, बट ठीक है, बहुत सारे लोग रिवील भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे जानना है कि स्टोरी में ऐसा न्यू क्या है, ऐसा क्या बना दिया है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, जबकि वो कॉपी है और कॉपी होने के बाद भी हिट है। अब क्यों हिट है, किस लिए है, उसमें क्या खास है, ये हम वहाँ जाने के बाद देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ नई चीज़ दिखाती हूँ। तो ये आज नया इसको दरवाजे को नया कर दिया आज हमने। अब नया कैसे कर दिया, क्योंकि स्टिकर इतना इसका पूरा कौन सा इसका स्टिकर बना दिया। ये हमारी ब्रांड है, दिस इज आवर ब्रांड। तो अब आप अच्छे से जान पा रहे होंगे क्या है। तो ये हमारे स्टूडियो का नाम है। ये आखिर बार अभी डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये पहला ही स्टेप है जो हमने अभी सबसे पहले इसके मेन डोर को ऐसा किया। और वहाँ पीछे एक्चुअली जो जगह बाकी थी यहाँ पे, तो ये जो जगह बाकी थी ना, इधर बाजू वाले का फ्लैट है, तो उसको कवर अप भी हो गया प्लस डेकोरेटेड भी हो गया। तो इधर ऊपर मेरा नाम है और नीचे राम का फोन नंबर है। हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है इसमें लिखा है, एडिटिंग दिया है, डीसीपी एनिमेशन, ग्राफिक्स और डिजिटल, इंस्टाग्राम के लिए भी करते हैं। बस वो प्लेस को मैं अभी और अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी फुल लाइटिंग के साथ। तो जिसको भी रेंटल जगह चाहिए इंस्टाग्राम शूट करने के लिए, मुझे कॉन्टेक्ट करो या हमारे चैनल के नीचे कमेंट करो। मैं ईमेल आईडी भी डाला करूंगी, तो आप उस ईमेल पे भी जा सकते हैं। और ये एड्रेस है हमारा गोरेगांव में। जिस किसी को भी आके शूट करना हो, मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में हम आपका शूट भी कर दिया करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर उसका सारा सोल्यूशन है। तो अभी ये सब है। अब ठीक है, ये आपको दिखा दिया कि आज अभी 2 दिन मैंने क्या क्या चीज़ें रेडी करवाई है। ये तो ऐसे 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 करके खुला था, मतलब इट डजंट मीन कि यू आर नॉट विजिबल, तुम दिख रहे थे कब से, या लोकेशन से हटना होता है तब नहीं दिखते हैं। अब ऐसे करके खड़े होने से क्या, वो क्या कहानी होती है, रेत में मुंडी गाड़ देने से वो उठ सोचता मैं झुक गया। चलते हैं अभी हम लोग थिएटर में, पागल है। तो अब हम सब निकल रहे हैं फिल्म देखने। हम तीनों की टिकट्स बुक थी। ये हरी भाई साहब हैं, लेट आए हैं। चलो ठीक है, अपना काम भी बाकी था, बट हमें कुछ पता नहीं था, तो अब हम इन्हें भी पकड़ के ले जाएंगे, क्या करेंगे अकेले, तो हम चारों फिल्म देखेंगे। तो चलिए मैं जाके बताती हूँ कैसा है क्या है, फिल्म कैसी लगी, और देखते रहिए हमारे चैनल, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते आगे। नहीं पे वैसा मना, तो फ्रेंड्स अंदर आ गए हम चारों लोग, और हरिद्वार भैया को आगे बिठाया है। तो फाइनली बंदे की भी टिकट मिल गई है, और हम देखने वाले हाँ मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं कैमरा पकड़ा हूँ। फुल क्राउड, यू कैन सी द क्राउड। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई और बढ़ गया पूरा हॉल। दृश्यम 2 का इतना क्रेज होगा मुझे नहीं मालूम था, मैं भी वही सुन के ही देखने आई, मुझे देखना नहीं था। तो चलिए फिल्म देख के मैं बताती हूँ। तो अभी के लिए वापस कंटिन्यू करती हूँ। फिल्म स्टार्ट होने वाली है,
वेट ही कर रहे हैं हम सब लोग बैठे हैं। मैं टीचर की अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ क्या, मैं बच्चों को भी ठीक से पढ़ा सकता हूँ। फ्रेंड्स अभी नित्य मिशन है और अभी बाहर आई हूँ मैं, तो अभी तक फिल्म का मैं आपको बताती हूँ कैसी रही। अभी तक फिल्म ने पकड़ के रखा है लोगों को, अभी तक लोग मतलब फिल्म में पूरी तरह से उलझे हुए हैं कि आगे क्या होगा। बट मलयालम वाली मैंने देखी है पार्ट टू, तो मुझे मालूम है कैसे क्या होगा, लेकिन फिल्म काफ़ी हद तक अच्छी है और फिल्म में कहीं पर भी अभी तक हमें बोर नहीं किया है। तो चलिए अब हम अपना काम करते हैं और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि कैसा था क्या था। वैसे तो पता सब कुछ ही, बट फिर भी मुझे देखना है कि इन लोगों ने एंडिंग कैसी बनाई है, क्या किया। तो फिल्म ऑलमोस्ट अच्छी बनी है, मतलब बंदा किधर भी बोर नहीं होएगा। और चलो आगे का भी देखिए, मैं आपको बताती हूँ। चले ना तो फिल्म हमने देख ली है और फिल्म सही में बहुत अच्छी थी। एंड तक फिल्म ने सबको बांध के रखा था, सस्पेंस क्या है, कैसे क्या हो रहा है ये जानने के लिए लोग बिल्कुल अपनी नज़र टिकाए रखे हुए थे, एक मिनट के लिए भी नज़र नहीं हटी किसी की। तो सस्पेंस को जानने के लिए ये सब किया गया। एंड अभी तक इतने सारे रिव्यू दिए होंगे लोगों ने, किसी ने स्टोरी रिवील नहीं की होगी। मैं शॉर्टकट में रिवील कर देती हूँ, ये पूरी स्टोरी को घुमा फिरा के ख़त्म कर दिया उस पब्लिश्ड बुक पे। और वो बंदा जो अजय देवगन है, वो अपना सिनेमा हॉल डाला होता है और फिल्म प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसी बीच वो एक अपनी खुद की जो स्टोरी है उसको किसी राइटर से लिखवा रहा होता है। एंड उसमें वो अपनी ही बातें ऑलरेडी लिख के पब्लिश करता है। अब उस बुक ने क्या इम्पैक्ट डाला, कैसे स्टोरी को घुमाया, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मतलब एकदम ही बिल्कुल चेंज ही करके रख दिया पूरा स्टोरी को उसने, और इस वजह से वो अपनी फैमिली को और अपने आप को सब चीज़ों को बचा लेता है। वो उस मर्डर के केस से ही मुक्त हो जाता है। तो गाइस मैं चाहूँगी आप ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें और फिल्म बिल्कुल पैसा वसूल है। तो हम आए थे यहाँ गोरेगांव, गोरेगांव के मूवी मैक्स में, जो कि हमारे स्टूडियो के जस्ट पास में ही है। तो अब फिल्म ख़त्म हुई है रात के 1:30 बजे, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो चलिए टाटा बाय बाय। अगर आपको मेरी ये बातें, मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मौसम आ गया थोड़ा थोड़ा इधर भी ठंड का, अंदर एसी बहुत तेज़ था। फिल्म बहुत अच्छी थी उस वक्त, तो मुझे कंटिन्यूसली ये भी याद नहीं रहा कि एसी बहुत तेज़ है, अब ठंड लग रही है। तो गाइस चलिए, नींद तो बहुत आ रही है। फिल्म वॉज वेरी गुड, आप जाइए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी मूवी है। तो चलिए अभी के लिए शुभ रात्रि, हम जाते हैं घर।